हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 यानी वायु के बारे में हम लोग आज देखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे हमेशा एग्ज़ाम में आपको आते रहेगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि आज वायु से संबंधित कौन सी वायु हमारे वायुमंडल में कितनी है ना। मंडल के बारे में देखेंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल है ना, आयन मंडल, बहिर्मंडल, उसके बारे में देखेंगे, उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है, ठीक है। और भी इसमें आगे हम लोग देखेंगे मौसम के बारे में, जलवायु के बारे में, ठीक है, और चक्रवात के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आज। और अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप उसको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको आसानी से देख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 4, वायु। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। आपको पता ही है कि हमारी जो पृथ्वी है चारों ओर से क्या है, सिर्फ वायु से घिरी हुई है, जिसे ही वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल निर्भर है। अगर सोच लीजिए, अगर वायुमंडल ना होता तो क्या कोई जीव जीवित होता? बिल्कुल नहीं होता, है ना। लेकिन जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, अगर पानी नहीं है तो आप 2-4 घंटा जी सकते हैं, है ना, लेकिन अगर वायु नहीं है तो आप 1 मिनट भी जी नहीं सकते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंडा से जम सकते हैं। देखिए, जो वायुमंडल होने के वजह से ही सूर्य से बहुत सी पराबैंगनी किरणें आती है ना, उसको भी ये रोकती है, ठीक है। और जो ये किरण है इसको रोक करके ये पर उसका प्रभाव कम करती है और हमें उसका प्रभाव कम मिलता है, इसके वजह से हम यहाँ जी पाते हैं। और इस वायुमंडल होने की वजह से ही ठंडा भी हमें कम लगता है ना। अगर वायुमंडल नहीं होता तो यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा होती और गर्मी भी दिन में बहुत ज़्यादा होता और रात में ठंड बहुत ज़्यादा होता, ठीक है। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया, यानी यही जो वायुमंडल है, वायु राशि है, यही पृथ्वी पे जीवन जीने के लिए इसके योग्य बनाया है। चलिए आगे देखते हैं वायुमंडल के संघटक, यानी वायुमंडल जो हमारा है ये किस किस चीज़ों से बना हुआ, यानी कौन कौन सी गैसों से बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है, है ना। हम तो ऐसे बोला जाता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ और भी गैसें हमारे सांस के रूप में अंदर चला जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। ऐसी दो गैसें हैं जिसने वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है। सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसके बारे में देखिए, यहाँ फिगर भी दिखाया गया है, हम बाद में आपको दिखाऊंगा। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। और जो मेन दो गैसें हैं आपको याद रखना है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके अलावे जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, और भी गैसें हैं जो बहुत कम मात्रा में, नहीं के बराबर, ठीक है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी वायुमंडल में पाए जाते हैं, है ना। गैस के अलावा भी क्या है? धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद है। चित्रदार 4.1, देखिए चित्र आपको दिखाया गया है और इसमें आपको बताया रहा है कि वीरतारेख दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों का प्रतिशत दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है, हमेशा याद रखना है, और ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने परसेंट है, तो 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बार पूछ चुका है, ऑक्सीजन के बारे में भी बहुत बार पूछ चुका है, नाइट्रोजन के बारे में बहुत बार पूछ चुका है, आर्गन के बारे में बहुत बार पूछ चुका है, क्योंकि आर्गन जो है सबसे ज़्यादा ये निष्क्रिय गैस के रूप में पाया जाता है वायुमंडल में, और ये कितना है? 0.93%। अन्य गैसें 0.04%, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं वायु, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैसी है। वायुमंडल में सर्वाधिक गैसें कौन सी है सर्वाधिक परसेंटेज के रूप में? तो नाइट्रोजन। कितना है? तो 78%, ठीक है।
चलिए, जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी चले जाता है। अभी आपको बताया ना कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ नाइट्रोजन भी चला जाता है और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु जो पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, पौधे को भी जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। हम लोग तो सीधा वायु से नाइट्रोजन ले लेते हैं सांस के रूप में, लेकिन जो पौधे होते हैं वो सीधे नाइट्रोजन नहीं ले पाते। यानी मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। यानी पौधे किस रूप में लेते हैं, तो वो मृदा यानी मिट्टी के रूप में और कुछ पौधे जड़ों के रूप में, ठीक है, जड़ों में रहने वाले जीवाणु से नाइट्रोजन इसका ग्रहण करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। देखिए अब ग्रीन हाउस गैस के बारे में आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये वायुमंडल में क्या है, फैली हुई है, और पृथ्वी से जो ऊष्मा जो आती है पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा, फिर ये विकृत होती है यानी यहाँ से लौटती है, तो उस ऊष्मा को पृथ्वी पर क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रोकती है, और उसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में अगर धरती इतनी ठंडी हो जाती, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो हमारी पृथ्वी इतनी ठंडी होती कि हम यहाँ जी नहीं पाते, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो सीमित मात्रा में, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, इतने सारे उद्योग धंधे लग गए हैं, इतने सारे मोटर वाहन चल रहे हैं कि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसी से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यानी भूमंडल जो हमारा है ये क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में दिया गया है कि इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव हो जाता, किंतु जब कारखाने एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, अभी आपको बताया ना, और इसे ही भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, जो भूमंडल हमारा गर्म हो रहा है, ग्लोबल यानी जो हमारा ग्लोब है ये वार्म हो रहा है यानी गर्म हो रहा है, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान के इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ क्या हो रही है, पिघल रही है। जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जो बर्फ जमी हुई है या फिर जो पर्वतों पे बर्फ जमी हुई है वहाँ से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से वो बर्फ पिघल रही है, और बर्फ पिघलने के कारण क्या होगा, तो समुद्र का जो जल स्तर है वो वृद्धि होगा उसमें, और जो द्वीपीय देश है ना, जो समुद्र के किनारे वाले देश हैं, वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे जलमग्न हो जाएंगे, ठीक है। बर्फ पिघलती है जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ सकता है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप पौधे एवं पशु लुप्त भी हो सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। अभी आपको देखिए ऑक्सीजन कितना है तो 21%, है ना, और नाइट्रोजन कितना है तो 78%। तो ऑक्सीजन जो है प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरी प्रचुरता से मिलने वाली गैस कौन सी है, तो ऑक्सीजन है 21%। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, है ना। हम लोग सांस लेने के लिए क्या लेते हैं, या फिर जो पशु है वो ऑक्सीजन लेते हैं। हरे जो पादप यानी पेड़ पौधे ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। इसी प्रकार ना हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन वृक्ष को काटते जा रहे हैं, वृक्ष लगा नहीं रहे हैं और वृक्ष को काट रहे हैं, तो इससे पर्यावरण क्या हो रहा है, संतुलन इसका बिगड़ रहा है, असंतुलन हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। इसी वजह तो हमारा जो पृथ्वी है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन उससे वापस देते हैं। जो पादप हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो सांस के रूप में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं।
मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। देखिए प्रकृति कितना अच्छा बनाया कि मनुष्य ऑक्सीजन लेगा और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा, है ना। ऑक्सीजन पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो ये संतुलन बना हुआ रहता है। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है, जनसंख्या तो तीव्र गति से बढ़ रही है ना, लेकिन जो पेड़ पौधे की संख्या वो तीव्र गति से नहीं बढ़ रही है। इसके वजह से पर्यावरण असंतुलन हो रहा है और हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, ठीक है, गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला एवं खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से क्या हो रहा है, गड़बड़ा जा रहा है ना। इतने जो गाड़ी मोटर चल रहे हैं, इतने उद्योग धंधे लग रहे हैं 24 आवर, जो हमेशा लगातार उससे चिमनियों से गैस निकल रही है, ये वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें क्या कर रही है, बढ़ोतरी कर रही है। परिणाम स्वरूप इसका क्या हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को ये प्रभावित कर रहा है। इसी के कारण ही तो कभी कभी बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाता है, कभी कभी बहुत कम वर्षा होता है, कभी ठंडी ज़्यादा पड़ने लगती है, कभी कम ठंडी पड़ने लगती है, है ना। गर्मी का मौसम धीरे धीरे बड़ा होते चला जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या आप जानते हैं, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, ये आपको पता होना चाहिए कि देखिए जो वायु है ये गर्म होने के बाद ये फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। इसके बारे में आपको हम थोड़ा सा आगे बताएंगे भी। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, ये आपको याद रखना है और ये समझना भी है, समझने वाली चीज़ है, मैं आपको आगे समझाता हूँ, पहले इसको पढ़ लेता हूँ। इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि कौन सी वायु, ठंडी वायु की, और जो गर्म वायु होती है ये हल्का होकर के क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है। यानी गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के जो ठंडे वायु है वो रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार उसे वायु चक्र चलता रहता है, इस प्रकार से वायु चक्र चलता रहता है। देखिए दोस्तों आपको एक बार थोड़ा सा समझाता हूँ, जैसे कि ये देखिए भारत का मैप है, ठीक है, ये भारत का मान लीजिए पूरा, है ना। तो ये जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में अभी वर्तमान समय में क्या हो रहा है, अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी के बाद आएगा मार्च, है ना, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, ठीक है, फिर मई आएगा, फिर जून आएगा। इस समय क्या हो जाता है, बहुत अधिक उत्तरी भारत हमारा गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पे पड़ने लगती है, यानी जो कर्क रेखा गुजरी है यहाँ पे पड़ने लगती है, इस वजह से यह क्षेत्र क्या हो जाता है, पूरा गर्म हो जाता है। और यहाँ जब गर्म होता है तो उस समय यहाँ साउथ में, साउथ में और हम भारत के, है ना, भारत के और नीचे चले जाएंगे, यानी मकर रेखा पे, मकर रेखा पे क्या होता है, वहाँ पे सूर्य लंबवत नहीं चमकता है, तो उस समय यानी इस समय मकर रेखा पे क्या होता है, ठंडी होती है, लेकिन भारत में क्या होता है, गर्मी होता है। तो यहाँ जो वायु है ये गर्म होकर क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है। अभी आप लोग पढ़े ना कि वायु जो है ये गर्म होकर क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है, और यहीं जो जब वायु यहाँ पे ऊपर उठ जाएगी तो ये स्थान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ये स्थान जब खाली हो जाएगा तो इसको भरने के लिए हवाएं यहाँ से दौड़ेगी, यानी हिंद महासागर से हवाएं दौड़ती है, और इसी से क्या होता है, ये जो जून में जो मानसून आता है इसी का वजह है कि जो हवाएं हैं ऊपर उठ जाती है और यह स्थान खाली हो जाता है। अब इसको भरने के लिए दक्षिण पश्चिम तरफ से हवाएं दौड़ती है, इसको भरने के लिए सबसे पहले केरल में यहाँ पे टकराती है 1 जून को, और फिर ये धीरे धीरे पूरे भारत में सक्रिय हो जाता है। ये मानसून का रूप ले लेता है, क्योंकि ये जो हवाएँ आती है ये हिंद महासागर से आती है, और हिंद महासागर से आने की वजह से इसमें बहुत सारा नमी होता है, बहुत सारा पानी की मात्रा होता है, इस वजह से हमारे देश में मानसून आता है और वर्षा होती है, ठीक है। चलिए आगे इसके बारे में और भी आएगा तो हम लोग समझते चलेंगे। आगे देखिए वायुमंडल की संरचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वायुमंडल की संरचना के बारे में देखते हैं कि हमारे जो वायुमंडल है ये कौन कौन से मंडलों से बना हुआ है। तो हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है हमारे मंडल जो कितने परतों में विभाजित है, तो 5 परतों में, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। और कौन कौन से मंडल है आपको याद रखना है, तो क्षोभ मंडल सबसे पहले, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर वायुमंडल, और फिर वायुमंडल, इसको बाह्य, इसको आयन मंडल भी कहा जाता है ना, कहीं कहीं आपको आयन मंडल भी दिखेगा। बाह्य मंडल को वायुमंडल, आयन मंडल भी कहते हैं, और फिर बहिर्मंडल, बहिर मतलब क्या होता है, बाहरी वाला भाग, ठीक है। और ये देखिए मध्य वाला भाग, यानी 2 इधर और 2 इधर, तो ये है मध्य मंडल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्षोभ मंडल के बारे में, सभी मंडलों को हम अलग अलग करके देखेंगे। देखिए सबसे पहले ये फिगर देख लीजिए, और फिगर में थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल क्या है, सबसे नीचे वाले मंडल को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। और
क्षोभ मंडल में ही प्रकृति की सारी घटनाएं होती है। जो भी घटनाएं होती है वो सब कहाँ होती है, तो क्षोभ मंडल। यानी क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। सबसे महत्वपूर्ण परत किसे माना जाता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है तो क्षोभ मंडल को। इसकी औसत जो ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर, याद रखना है औसत ऊंचाई पूछा तो 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, हम तो क्षोभ मंडल में ही रहते हैं ना, तो क्षोभ मंडल में ही हम सांस लेते हैं। यानी और मौसम की लगभग सभी घटनाएं, मौसम की सभी घटनाएं कहने का मतलब क्या होगा, वर्षा, कोहरा है ना, ओलावृष्टि, इसी सब इसी मंडल में घटनाएं होती रहती है, ठीक ना। बादल गरजना, बिजली चमकना, ठीक है, वर्षा होना, सभी घटनाएं इसी में होती है। कौन सी मंडल में, क्षोभ मंडल में। यहाँ देखिए आपको बताया था कि 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है। आपको याद रखना है कि सबसे कम ऊंचाई होती है वो कितना होती है, तो 8 किलोमीटर। सबसे कम अगर पूछा तो 8 किलोमीटर, इसमें नहीं दिया गया, मैं आपको बता देता हूँ। और पूछे कि सबसे अधिकतम ऊँचाई, तो 18 किलोमीटर। अधिकतम 18, औसत 13 और मिनिमम 8, ये तीनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समताप मंडल यानी क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग क्या कहते हैं, समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर वाले भाग को समताप मंडल कहा जाता है और यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। आपको ऊंचाई भी याद रखना है, ऊंचाई भी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो 50 किलोमीटर, ठीक है। यह परत बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। देखिए इसका नाम ही है सम तापमंडल यानी समान तापमान, यहाँ भी कोई भी घटनाएं नहीं होती है और यहाँ जो बादल और मौसम संबंधी घटनाएं से ये मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ को उड़ाने के लिए आदर्श होती है। क्वेश्चन आता है कि हवाई जहाज़ जो उड़ता है ये कौन से मंडल में उड़ता है, तो समताप मंडल में उड़ता है, क्योंकि यहाँ भी कोई भी घटनाएं नहीं होती है ना, यहाँ मौसम आदर्श होता है, इसलिए यहाँ हवाई जहाज़ को उड़ाया जाता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन परत की जो पाई जाती है ये कौन से मंडल में, तो कौन से मंडल में, समताप मंडल में, ठीक है। क्योंकि जो ओजोन परत है ये जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है इसको क्या करती है, वो अवशोषित कर लेती है और हमें रक्षा करती है, ठीक है ना, हमारी रक्षा करती है, पर सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। कौन, तो ये ओजोन गैस कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में। चलिए आगे है नेक्स्ट मंडल, मध्य मंडल है ना, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल और फिर मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है, ठीक है, तीसरा परत है। आपको ऐसे भी पूछता है कि वायुमंडल की तीसरी परत कौन सी है, तो मध्यमंडल। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ये किलोमीटर आपको याद रखना है कि कितने किलोमीटर तक, तो 50 किलोमीटर तक था समताप मंडल और 80 किलोमीटर तक है मध्यमंडल। और क्षोभ मंडल कितना था, तो 18 किलोमीटर है ना, अधिकतम 18 किलोमीटर तक था। चलिए 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई फैली है और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाती है। देखिए इस बार ही सीटेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि उल्का संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होता है, तो कौन से मंडल में होता है, मध्य मंडल में होता है उल्का संबंधी घटनाएं। यानी उल्का जो पिंड होता है ये मध्य मंडल में आने के बाद घर्षण से जल जाता है ना, जल जाने की वजह से वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कोई कोई जो उल्का पिंड होता है वो बड़े होने की वजह से कभी कभी पृथ्वी पे भी गिर जाता है और वो कभी देखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला मंडल है हमारा बाह्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर नहीं है, बाह्य मंडल, इसको आयन मंडल भी कहा जाता है। बाह्य मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, ठीक है। बाह्य मंडल में जैसे जैसे हम पहुंचते हैं फिर इसके बाद टेम्परेचर क्या होता है, बहुत इंक्रीज करने लगता है। स्टार्टिंग में तो हम क्षोभ मंडल पर रहते हैं तो ऊँचाई पर जाते हैं तो तापमान घटता है, लेकिन जैसे हम बाह्य मंडल में पहुँचेंगे तो तापमान क्या हो जाएगा, फिर बढ़ने लगता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, देखिए बोले ना, इसको आयन मंडल भी कहीं कहीं लिखता है, और आयन मंडल एक है इसी परत का एक भाग है जो 80 से 400 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। मध्यमंडल कहां तक था, 80 तक था, तो 80 से लेके कहां तक जाएंगे, 400 किलोमीटर ऊंचाई तक, और वो पाया जाएगा आयन मंडल, ठीक है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है, ठीक है। जो जो
कृत्रिम उपग्रह जो छोड़ा जाता है दोस्तों, वो उसको इसी मंडल में ले जा करके छोड़ा जाता है ना। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। ठीक है, तो जो रेडियो तरंगे होती है आयन मंडल में इसकी घटनाएं होती है ना। जो उपग्रह जो छोड़ा जाता है कृत्रिम उपग्रह है ना, उसको भी आयन मंडल में ही प्रक्षेपित किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका बहिर्मंडल। बहिर मतलब क्या होता है, बाहरी है ना, तो बाहरी मंडल यानी सबसे लास्ट वाला मंडल। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। आपको ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि सबसे बाहरी मंडल कौन सा है, तो बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की पतली परत होती है, ये भी याद रखना है। और इसमें हल्की हल्की गैसें पाई जाती है जैसे कि हीलियम एवं हाइड्रोजन, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन। तो ये देखिए हमारा मंडल था, ये मंडल का फिगर आपको दिखाया गया यहाँ पे। सबसे नीचे क्षोभ मंडल है ना। फिर इसके बाद देखिए समताप मंडल। समताप मंडल में यहाँ देखिए जहाज़ को दिखाया गया है ना, यहाँ जहाज़ उड़ाया जाता है। फिर यहाँ देखिए ओजोन परत यहाँ पाया जाता है। फिर उसके बाद मध्य मंडल आ जाएगा, मध्य मंडल में उल्का संबंधी घटनाएँ होगी। ठीक है, और फिर बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में जो उपग्रह छोड़ा जाता है उसको बाह्य मंडल में प्रक्षेपित किया जाता है, यानी आयन मंडल भी इसको कहते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में बहिर्मंडल। चलिए आगे देखते हैं कि मौसम, मौसम एवं जलवायु के बारे में अब देखते हैं। मंडल देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, अब देखते हैं मौसम एवं जलवायु। क्या क्या आज वर्षा होगी है ना, क्या आज दिन साफ होगा और धूप खिलेगी। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो उसमें भी भविष्यवाणी लगाते रहता, क्या आज वर्षा होगी है ना, क्या आज दिन साफ रहेगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम क्या होता है, मौसम का मतलब ये हुआ कि जो दिन में दिन प्रतिदिन है ना, या फिर प्रत्येक घंटे जो मौसम में बदलाव होते रहता है ना। जैसे कि अभी ठंडा, फिर 2 घंटा बाद बारिश हो गया तो थोड़ा सा, अभी ठंडा बारिश हो गई तो थोड़ा सा और ठंडा है ना, अभी गर्मी है बारिश हो गई थोड़ा सा ठंडा। ठीक है, या फिर दिन में ठंडा रहता है, दोपहर में गर्मी लगता है, या रात में फिर ठंडा हो जाता है। तो इसी को कहते हैं दोस्तों मौसम। ठीक है, आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है, बिल्कुल सही है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देती है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। अच्छा मौसम रहता है तो कितना मज़ा आता है कि लगता है चलते चलें आज कहीं घूमने के लिए। ठीक है, मौसम नाटकीय रूप से प्रतिदिन बदलते रहता है, नाटकीय रूप से बदलते रहता है। दिन में ठंडा, फिर गर्मी, फिर ठंडा, फिर गर्मी है ना। किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम, लेकिन दीर्घकाल मतलब बहुत लंबे समय में, ठीक है, औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है। ठीक है, क्या यानी बहुत दिनों तक लगातार अगर ऐसा नोट किया जाता है कि इस स्थान पे इस समय गर्मी, इस समय ठंडा, इस समय बरसात, तो उसी को फिर जलवायु मान लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या अब आप समझ गए हैं कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है कि क्या आप जानते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की 2 अरबवां, सोच लीजिए 2 अरबवां भाग प्राप्त करता है, यानी सूर्य की जो ऊष्मा है उसका कितना भाग हम प्राप्त करते हैं, यानी पृथ्वी प्राप्त करता है, तो 2 अरबवां। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तो आप याद रखिएगा, पृथ्वी सूर्य का 2 अरबवां भाग प्राप्त करता है। ठीक है, अगर सोच लीजिए अगर इतना कम भाग प्राप्त कर रहे हैं तो इतना गर्मी रहता है, अगर इससे ज़्यादा भाग प्राप्त करते तो क्या होता पृथ्वी पे, आप कल्पना कर सकते हैं। तापमान के बारे में हम लोग अब देखते हैं कि आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को ही क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। दिन और रात में तो बदलता ही है, लेकिन ऋतु के अनुसार तो ज़्यादा बदलता है ना। अभी देखिए ठंडे का मौसम है, फिर आ जाएगा गर्मी का मौसम, फिर बरसात का मौसम, फिर ठंडा का मौसम। तो मौसम के अनुसार है ना ये तापमान बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, ये सब तो आपको सब पता है। अब देखते हैं आतपन क्या होता है दोस्तों।
तो आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, यानी तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाता है। यानी सूर्य से जो ऊर्जा आती है, यानी जो उसका जो प्रकाश आता है, उसे क्या करती है, पृथ्वी रोकती है, है ना, सारा विकृत नहीं करती है, कुछ ऊर्जा को रोक लेती है, उसे ही कहा जाता है आतपन। ठीक है, आतपन सूर्यातप, आतपन को सूर्यातप भी कहते हैं, सॉरी, आतपन यानी सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। अब देखिए, ये भूमध्य रेखा है हमारा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे क्या होगा, यहाँ पे आतपन ज़्यादा होगा, यानी सूर्य ताप ज़्यादा होता है, तब तो इसी को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना, क्योंकि यहाँ पे सालों भर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, लंबवत पड़ने की वजह से ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे, या फिर ऊपर जाएंगे, या फिर नीचे जाएंगे, तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश घटते चला जाता है। और वही तो यहाँ पे लिखा है आपको कि ध्रुव की ओर जाने पर ये क्या होती है, घटते जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ तापमापी यंत्र, तापमापी के बारे में कुछ आपको यंत्र दिया गया है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये तापमापी दिखा रहा है, वायु दाब मापी से वायु दाब मापा जाता है, है ना, वर्षा मापी से वर्षा मापा जाता है, वात दिग्दर्शी से पवन की दिशा मापा जाता है, यानी किस दिशा से पवन चल रही है, तो याद रखिएगा वात दिग्दर्शी, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे, है ना, कि ये हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ने के वजह से यहाँ बर्फ क्या है, जमा हुआ। उसी प्रकार से नीचे भी हम आते हैं दक्षिणी ध्रुव पे, तो यहाँ पे बर्फ जमा हुआ है, लेकिन ये जो भूमध्य रेखा है यहाँ पे सालों भर क्या पड़ता है, गर्मी पड़ता है। ठीक है, और जे इसका सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं पड़ने की वजह से यहाँ सालों भर बर्फ जमी हुई है। तो वही कह रहा है कि अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। देखिए इसको समझिए थोड़ा सा, यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाएगा, अत्यधिक बढ़ जाता है तो क्या होगा, इतनी गर्म हो जाएगी, यहाँ कुछ फसलें नहीं हो सकेगी। गाँव के अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। गाँव में देखिएगा अभी भी वर्तमान समय में कि नगर में हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ है ना गाड़ी बहुत सारी चलती है। ठीक है, यहाँ जो जो सड़कें हैं वो क्या है, पूरा पीच से बना हुआ है। ठीक है, और भी यहाँ पेड़ पौधे नहीं के बराबर है, इस वजह से यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सूर्य की जो किरण आती है वो विकृत नहीं हो पाती, इस वजह से भी यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, है ना, यहाँ खुला वातावरण नहीं मिल पाता, इस वजह से भी यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, और दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें, देखिए, और धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं, और रात के समय वह उष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोकती है। अभी आपको बताया ना कि जो नगर में ऊंचे ऊंचे जो भवन है ये गर्म वायु को क्या करती है, रोक लेती है, और इस वजह से भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अब देखते हैं वायु दाब के बारे में, वायु दाब क्या होता है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। देखिए हमारा जो शरीर है, अगर वायु दाब न लगता तो हम एक जगह खड़ा नहीं रह पाते, है ना, वायु दाब लगने के वजह से ही हम एक जगह खड़ा हैं, एक अस्थिर जगह पे खड़े हैं, हम चल पाते हैं, हम बैठ पाते हैं, हम सो पाते हैं। ठीक है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, हम इसका अनुभव तो नहीं कर रहे हैं ना कि हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है, क्योंकि हम भी दबाव उस पर लगा रहे हैं, इस वजह से अनुभव जितना हम लगा रहे हैं उतना ही वो लगा रहा है, तो इस वजह से हम खड़े हैं, बैठे हैं, सोए हैं। इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल उस पर लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा जो दाब लगाया जाता है, जो भार लगाया जाता है, है ना, लगाया गया दाब वायु दाब के वजह वायु दाब कहते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर
वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। दाब क्या होता है? तेजी से गिरने लगता है। और समुद्र स्तर पर वायु सर्वाधिक होता है। ये देखिए हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि वायु दाब जो होता है ये सर्वाधिक कहाँ पे होता है दोस्तों, तो याद रखना है आपको समुद्र तल पे, ठीक है, समुद्र स्तर पे ये वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। इसीलिए ना जब कोई पर्वतारोही लोग होते हैं वो पर्वतों पर जाते हैं क्लाइम करने के लिए, चढ़ने के लिए, तो क्या करते हैं वो अपने साथ सिलेंडर लेकर चलते हैं ऑक्सीजन का, क्योंकि उसको सांस लेने में वहाँ दिक्कत ना हो, ठीक है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है और निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। अभी आपको बताए थे कि जो कोई क्षेत्र है हमारा, कोई हमारा क्षेत्र है, वहाँ क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ये हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी, हवा ऊपर उठेगी, है ना, तो ये स्थान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसको खाली स्थान को भरने के लिए ही इसको चारों साइड से हवाएं दौड़ेगी, ठीक है, ठंडी हवाएं। चलिए आगे देखते हैं, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जब जहाँ कम तापमान रहेगा तो वहाँ तो वायु तो ठंडी रहेगी ही, इसके परिणाम स्वरूप यह भारी होती है। जब जो ठंडी हवाएं हैं वो भारी होने की वजह से ही वो वहाँ पे बैठे रहती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ये आपको याद रखना है कि जो वायु होती है, जो हवाएँ होती है, ये किधर से किधर चलती है दोस्तों, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये हमेशा बहती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि हवाएं किधर से किधर चलती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तब तो ये लो प्रेशर होता है, यानी जहाँ पे गर्मी है तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो ये हवाएं इसको भरने के लिए इधर की ओर चलती है। अब देखते हैं पवन के बारे में। देखिए इधर आपको कुछ दिया गया है, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तापमान को मापने की मानक इकाई क्या होती है, डिग्री सेल्सियस। तापमान को मापने के लिए क्या मापा जाता है, डिग्री सेल्सियस, इसका मानक इकाई है। इसका आविष्कार कौन किया था, तो एंडर्स सेल्सियस ने किया था, इसी के नाम पर पे इसको सेल्सियस रख दिया गया है ना, डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप याद रखिएगा कि तापमान जो मानक है इसका कौन सा है, डिग्री सेल्सियस। इसका आविष्कार कौन किए थे, तो एंडर्स सेल्सियस ने किए थे। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। जल कितने पे जम जाएगा, तो 0 डिग्री पे, और 100 डिग्री पे क्या होता है, तो ये उबलने लगता है। ये दोनों आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, चांद पे तो वायु नहीं है, है ना, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है, वहाँ वायु दाब भी नहीं है। इसीलिए तो वहाँ जब कोई जाते हैं तो क्या करता है, एक प्रकार का अलग सूट पहन कर वहाँ पे जाया जाता है। अगर ये पहन कर नहीं जाएगा तो क्या होगा, उसका शरीर फट जाएगा, है ना, क्योंकि उस वहाँ तो वायु दाब लगेगा नहीं, और हमारा पृथ्वी क्या है, वायु दाब लगाएगा, तो वहाँ पर वायु ना होने की वजह से हमारी नसें फट जाएगी, इस वजह से हमारा तुरंत वहाँ मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए एक अलग स्पेस सूट पहन के वहाँ जाया जाता है, ठीक है। अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों का शरीर क्या होगा, शरीर विपरीत बल लगाने के कारण उनकी रक्त सिराएं क्या हो जाएगी, फट जाएगी, फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं और तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जब भी चंद्रमा पे जाता है, जहाँ पे हवाएं नहीं है, वहाँ पे जाने के बाद एक अलग स्पेस सूट पहन करके जाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या आप जानते हैं, पवन का नाम आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। अब देखिए पवन का नाम दिशा के आधार पर निर्धारित होता है, यानी कोई हवाएं जैसे ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब कोई हवाएं पूर्व से आ रही है तो इसको क्या कहते हैं, पूर्वैया। उत्तर से आ रही है तो उत्तरंगा, दक्षिण से जा रही है तो दक्षिणाहा, है ना, पश्चिम से चल रही है तो पछुआ। तो ये दिशाओं के हिसाब से इसका नाम रखा जाता है। तो यही आपको बता रहा है कि पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी यानी पछुआ पवन कहते हैं, ठीक है। चलिए ये पवन के बारे में हम लोग देखते हैं, यानी हवा। पवन यानी उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। अभी आप पहले देख लिए कि पवन कैसे चलती है, तो हाई प्रेशर से यानी उच्च दाब से
निम्न दाब की यानी लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं, पवन भी यानी बहुत सारे काम करते रहते हैं, यानी हवाएं चलती है तो अगर बहुत तेज आंधी चल रही है तो क्या होगा, पेड़ पौधा उखाड़ते चल देगी, है ना, मकान को ढहाते चल देगी, जो मिट्टी का मकान है उसको भी ढहाते निकल जाएगी, ठीक है, बालू के कण उड़ाते हुए चलेंगे, धूल गर्द पूरा उड़ाते हुए चलती है, ठीक ना। जब सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती एवं तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है, कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल एवं धुएं को उड़ाते देख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशाओं में चलना क्या हो जाता है, बहुत कठिन होता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज़ पवन में छाता लेकर चलना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। अगर आप तेज़ पवन में छाता लेकर चलिए तो आप छाता के साथ आप भी उड़ जाइएगा, छाता भी टूट जाएगा। तीन अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज़ पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः तीन प्रकारों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। अब कौन कौन प्रकार है आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ आपको पवन के बारे में दिखाया गया, अस्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अस्थाई पवन क्या होता है, फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे बाद में, पहले इसको देख लेते हैं। तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने अस्थाई पवने हैं। कौन कौन से कह रहा है, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने को कहते हैं अस्थाई पवन। ये आपको याद रखना है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में तीनों पूछा जाता है, अस्थाई, मौसमी और स्थानीय पवन के बारे में। तो पूर्वी एवं पश्चिमी जो पवने हैं व्यापारिक पवन है और ये अस्थाई पवन है, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलते रहती है। हमेशा पश्चिम से बह रही है तो पश्चिम से ही बहेगी, पूर्व से बह रही है तो पूर्व से ही बहेगी। और इसे व्यापारिक पवन भी क्यों इसे कहा जाता है, क्योंकि ये व्यापार में बहुत लाभ पहुँचाता है, इस वजह से व्यापारिक पवने भी इसको कहा जाता है। अगला देखते हैं मौसमी पवने। ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, है ना, ऋतु के अनुसार ठंडे के दिनों में अलग बहने लगेगी, गर्मी में अलग, है ना, बरसात में अलग। तो ये ऋतु के अनुसार अपनी दिशा को क्या करती है, बदल देती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने, जो मानसूनी पवने है ये किधर से आती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, है ना। और जब दक्षिण पश्चिम मानसून जून में आता है और जैसे अक्टूबर आ जाता है तो फिर क्या उत्तर पूर्व ये उसका विपरीत बहने लगता है, आप देखे होंगे, है ना, उसके बारे में पढ़े होंगे। अगर मौसम के बारे में आगे चैप्टर आएगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं स्थानीय पवने क्या होते हैं। तो स्थानीय, देखिए नाम से ही ये स्पष्ट है, स्थान यानी ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, उसे ही कहते हैं स्थानीय पवने। यानी कोई स्थान यानी निश्चित क्षेत्र में वो पवन चलती है, वो सब जगह नहीं चलती है, वो कोई निश्चित क्षेत्र में। उदाहरण के लिए आपको दिखाया गया है कि स्थल एवं समुद्री समीर, जो स्थल समीर और समुद्री समीर, समुद्र से जो हवाएं चलती है, जो ये मेन देखा जाता है आपको दोस्तों तटीय इलाका में। ये देखिए पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, तो ये यहाँ पे मानते हैं हमारा क्या है, मुंबई है, है ना। तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ये देखा जाता है, महाराष्ट्र की इधर क्या है, अरब सागर है, है ना। तो अरब सागर से हवाएँ चलती है और फिर ये स्थल से हवाएँ चलती है, इसी को कहा जाता है स्थलीय समीर और समुद्री समीर। इसके बारे में हम लोग आगे और विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे कभी आएगा तो। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे लू कहते हैं। ये देखिए हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जो उत्तरी भारत में, है ना, खास करके बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, ये सब जो क्षेत्र में जो गर्मी के समय में जो तेज़ हवाएं चलती हैं उसे क्या कहते हैं, लू कहा जाता है। ये भी एक स्थानीय पवन है, ये भारत में चलती है। और ये क्वेश्चन आता है विली विली, तो विली विली जो स्थानीय पवन है ये कहाँ बहती है, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए यहाँ फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है, छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिख सके। देखिए दोस्तों ये हमारा 0 डिग्री है यानी भूमध्य रेखा, ठीक है, 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा ये है। और इसी को कहते हैं निम्न दाब। यहाँ निम्न दाब क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ तापमान उच्च होता है और तापमान उच्च होने की वजह से हवाएं यहाँ ऊपर उठ जाती है, तो इसी को कहते हैं निम्न दाब। इसी को डोल्ड्रम क्षेत्र भी कहा जाता है, इसी को डोल्ड्रम भी कहते हैं। देखिए यहाँ और ऊपर में क्या रहेगा, उच्च दाब, और नीचे भी उच्च दाब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ठंडा रहता है, यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती है, है ना, इस वजह से यहाँ अच्छा सालों भर ठंड रहने की वजह से यहाँ उच्च दाब रहता है। देखिए ध्रुवीय पूर्वी पवन और ये ध्रुवीय पूर्वी पवन, यानी ये और ये दोनों क्या है, पूर्वी पवने, ये अस्थायी पवने माना जाता है, ठीक है। फिर ध्रुवीय अधो ध्रुवीय निम्न दाब, ये निम्न दाब सबसे पहले देखिए ये आपका निम्न दाब का क्षेत्र है, फिर आएगा उच्च दाब, फिर निम्न दाब, फिर उच्च दाब। तो आपको ये क्रम से याद रखना है अल्टरनेट करके, निम्न, है ना, उच्च, निम्न, उच्च, यानी 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, फिर 65.5 डिग्री,
फिर 90 डिग्री, ठीक है, यानी 0 डिग्री पे क्या हो रहेगा, निम्न रहेगा, फिर 23.5 डिग्री पे उच्च रहेगा, फिर 66.5 डिग्री पे निम्न रहेगा, फिर 90 डिग्री पे उच्च रहेगा, उसी प्रकार से नीचे भी उसी प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए इस फिगर को मैं आगे भी बताऊंगा आपको। अब देखिए चक्रवात के बारे में देखते हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवातों का खतरा बना रहा था। देखिए चक्रवात के बारे में थोड़ा सा पहले बता देते हैं। चक्रवात में क्या होता है कि केंद्र में होता है हमारा, सॉरी, केंद्र में होता है लो प्रेशर, ठीक है, और केंद्र में होता है लो प्रेशर, इसके चारों ओर होता है हाई प्रेशर, चारों ओर क्या होता है, हाँ दोस्तों, हाई प्रेशर होता है। तो हवाएं कैसे चलती है आपको पता होना चाहिए कि जो हवाएं होती है चलती है ये हाई टू लो की ओर चलती है ना, तो चारों ओर से यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, ठीक है, तो ये स्थान क्या हो गया, खाली हो गया, क्योंकि यहाँ से हवाएं ऊपर उठ गई तो चारों ओर से हवाएं दौड़ेगी इसको भरने के लिए, ठीक है, और इसी वजह से ही चक्रवात उत्पन्न होता है। और चक्रवात कहाँ उत्पन्न होगा, ऐसे देखा जाता है ये खाड़ियों में या फिर समुद्रों में ये उठता है, ठीक है। चलिए तो इसी के बारे में बता रहा है, बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आता है उसके बारे में। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का खतरा हमेशा बना हुआ रहता है, हमेशा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया और 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य चक्रवात आया जिसने राज्य के बड़े भागों में तबाही मचाई। तो ये देखिए तो उड़ीसा का क्षेत्र दिखा रहा है, इससे आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, है ना, इससे आपको एग्ज़ाम में नहीं आता है, बस आप इतना थोड़ा बहुत जान लीजिए कि ये कब आया था जो ज़्यादा विनाशकारी चक्रवात था, तो 1999 ईस्वी में उड़ीसा में आया था। और चक्रवात कहाँ कहाँ आता है ये आपको राज्य याद होना चाहिए, देखिए ये उड़ीसा है, इसके नीचे आंध्र प्रदेश, इसके नीचे तमिलनाडु, और इसके ऊपर ये हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, तो ये सब क्षेत्र में हमेशा चक्रवात देखने को मिलता है, ठीक है, इसके बारे में आपको एग्ज़ाम में नहीं आता है। चलिए इसको हम लोग छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे आपको आर्द्रता के बारे में देखना है। आर्द्रता क्या होता है दोस्तों, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न दशाओं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होती है, जब सूर्य के किरण के द्वारा क्या जल को क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, तो यह जलवाष्प बन जाता है, यही क्या बन जाता है, जलवाष्प। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, यानी वायु में भी क्या होता है, जल होता है ना, उसी को जलवाष्प कहते हैं, ठीक है, आर्द्रता, उसमें आर्द्रता नमी होता है, ठीक है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तब उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। अब देखिए जैसे देखिए आप बारिश के मौसम में आर्द्रता क्या होता है, ज़्यादा होता है, हवाओं में क्या होता है, आर्द्रता ज़्यादा होता है, है ना, जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे देखिए गर्मी के समय में आप कपड़ा पसारते हैं तो क्या होगा, बहुत जल्दी सूख जाता है, क्योंकि उसको जल को ग्रहण करने की क्षमता क्या हो गई है, बढ़ गई है। लेकिन यही अगर आप बारिश के समय में आप कपड़ा धोकर अगर धूप में अगर डालते हैं तो क्या होगा, क्योंकि वायु में तो जल की मात्रा पहले से उसको प्रचुर मात्रा में है, इस वजह से उसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है ना। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, आप देखते होंगे ठंडे के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में ज़्यादा समय लगता है, हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं, शरीर चिपचिपा जैसा लगते रहता है तो हम असहज महसूस करते हैं। जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है, देखिए यही जलवाष्प जो है ऊपर उठने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है और जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंद बन जाता है, यही फिर जो जलवाष्प है संघनित होकर क्या बन जाता है दोस्तों, जल की बूंद का रूप ले लेता है और बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है, और बादल जो होता है इन्हीं जल बूंदों का एक समूह को क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। और जब जल की ये बूंद इतनी भारी हो जाती है कि वायु में ये तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में यानी वर्षा के रूप में पृथ्वी पे नीचे गिरने लगती है बूंद के रूप में, ठीक है। देखिए आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज़ अपने
पीछे देखिए, आगे आपको दिखा रहा है कि आकाश में आप देखे होंगे जो जेट हवाई जहाज़ है ना, अपने पीछे क्या छोड़ते जाती है, एक सफ़ेद पट्टी है ना छोड़ते जाती है, और इसके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है, और वायु के गतिमान न होने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में भी दिखाई देता। आप देखे होंगे कि लाइन के रूप में आपको दिखाई देता है वायुमंडल में। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। यही जो वर्षण है जो बूंदे के रूप ले ली है, और ये पृथ्वी पर जब गिरती है बूंद के रूप में, इसी को वर्षण या वर्षा कहते हैं। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। अब देखिए भौम जल क्या होता है, यहाँ पर भौम जल के बाद आया है, तो भौम जल उसे कहते हैं जो जब बारिश के मौसम में है ना वर्षा का जल रिस रिस करके भूमि के अंदर जो जल चला जाता है, ठीक है, उसी को कहते हैं भौम जल, यानी भूमि का जल। भौम मतलब क्या हुआ, भूमि है, जल मने जल, तो भूमि के जल को ही भौम जल कहा जाता है, रिस करके पृथ्वी के नीचे चला जाता है। आगे देखिए, पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पसरवों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के तीन प्रकार होते हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, वर्षा कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवातीय, ये तीनों को हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए ये फिगर के माध्यम से चक्रवातीय वर्षा के बारे में, यहाँ पे चक्रवात से जो वर्षा होती है ना उसे कहेंगे चक्रवातीय वर्षा, और जो पर्वत से टकराने के बाद जो वर्षा होती है उसे कहेंगे पर्वतीय वर्षा, है ना। जैसे कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है, यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत से टकराती है ये हवाएं, और फिर जो यहाँ केरल में वर्षा करती है और फिर दोनों भाग में बढ़ जाती है, केरल अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो इसे कहते हैं पर्वतीय वर्षा, क्योंकि पर्वत से टकराने के बाद हो रहा है। और ये संवहनीय वर्षा जो हम लोग के इलाका में होता है, जो हम बिहार वाले क्षेत्र में दिखाते हैं, बिहार में क्या है, पर्वत तो है नहीं कहीं पे, है ना, तो यहाँ जो वर्षा होती है ये संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, चलिए ये वर्षा का तीन प्रकार था। चलिए, पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आपका चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका है। इसे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है ना, यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। अगर वर्षा जिस वर्ष अगर कम वर्षा होगी तो क्या होता है, सूखा पड़ जाता है ना। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ सकती है। चलिए यहाँ पे क्या दिया रहा है, वर्षण एक दूसरे रूप हिम वृष्टि एवं ओला भी है। देखिए हाँ, यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो वर्षा है, आप कभी कभी देखते होंगे ओलावृष्टि भी होता है ना, ओला के रूप में, तो वर्षा का ये दूसरा रूप है। ठीक है, वर्षा का ही ये दूसरा रूप है, या हिम कहिए या सहिम वृष्टि या ओला, ये सब वर्षा का दूसरा रूप है। ठीक है, आपका चैप्टर यहाँ समाप्त हो चुका है। हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन आंसर है कि वायुमंडल क्या है, तो आपको अभी बता चुके थे, यानी पृथ्वी के चारों ओर आवरण को ही क्या कहते हैं दोस्तों, वायुमंडल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना हुआ है, तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना है, 78% और ऑक्सीजन 21%। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है, तो कौन सी गैस, CO2। ठीक है, मौसम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताया जा चुका था मौसम के बारे में। चलिए, वर्षा के तीन प्रकार आपको लिखना है, चक्रवातीय, पर्वतीय, संवहनीय, भी बता दिए। वायुदाब क्या होता है, ये भी आपको बता दिए थे, यानी हम वायु, हमारे ऊपर वायुदाब लगता है, हम भी उसके विपरीत लगाते हैं। ठीक ना, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको फटाफट हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, तो कौन सी गैस है वो, तो वो ओजोन गैस है जो हमें रक्षा करती है। ओजोन कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत, स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे क्षोभ मंडल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है, तो बादल विहीन कौन होता है, समताप मंडल, जहाँ तापमान क्या होता है, समान होता है, समताप मंडल में ही वायुयान को उड़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है, तो वायुदाब घटता जाता है ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम वर्षा कहते हैं, है ना। जब लिया मिलाने वाला है तो मिलाने वाला हम लोग मिला लेते हैं। व्यापारिक पवने किससे मिल जाएगा, तो अस्थाई पवन, व्यापारिक पवन, अस्थाई पवन, और लू क्या हो जाएगा, तो स्थानीय पवन,
लू स्थानीय पवन, और मॉनसून, मॉनसून हो जाएगा मौसमी पवन से मिल जाएगा, और पवन पवन की क्षैतिज गति। चलिए आपका मिलान हो गया पूरा। चलिए आपका चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आराम से पढ़ते रहिए ताकि आपका पूर्ण तैयारी हो सके, क्योंकि सीटेट अब बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। धीरे 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 करके आप लोग अभी से ही तैयारी कीजिएगा तभी आप लोग सीटेट पास कर पाइएगा। अगर सीटेट पास करना है तो आपको पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं देखिएगा तो आप कभी भी सीटेट नहीं पास कर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।